निरंतर ट्रैवल करने से अनुभव प्राप्त होता है और अनुभव से आत्मविश्वास बढ़ता है और आत्मविश्वास बढ़ने से डर का नाश होता है और जब आपका डर खत्म हो जाए तो आप यह सब कर सकते हो। वेलकम टू माय स्कूबा डाइविंग एक्सपीरियंस इन शिवराजपुर। यह कहानी तब शुरू होती है जब मैं और मेरा फ्रेंड अशोक ये सोचते हैं कि क्यों ना कहीं थोड़ा घूम ले। तब हमारे दिमाग में शिवराजपुर आया। यह हमारे देश के सुनिंदा उन 10 ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीच में से एक है। तो आइए जानते हैं कि आखिर ब्लू फ्लैग होता क्या है और यह किसे दिया जाता है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त इको लेवल है जिसे 33 मापदंडों के आधार पर प्रदान किया जाता है। इन मापदंडों को 4 मुख्य शीर्षकों में विभाजित किया गया है, पर्यावरण शिक्षा और सूचना, स्नान के पानी की गुणवत्ता, पर्यावरण प्रबंधन, समुद्र तटों पर संरक्षण और सुरक्षा सेवाएं। मुझे ब्लू फ्लैग बीच की एक बात सबसे ज़्यादा पसंद है कि इस बीच पर कोई भी डिसेबल पर्सन आ सकता है और समुद्र में नहा सकता है क्योंकि इसका पथवे बीच से लेके पार्किंग तक जुड़ा हुआ है। ब्लू फ्लैग बीच को दुनिया का सबसे साफ बीच माना जाता है। यह एक इको टूरिज्म मॉडल है जो बीच पर आने वालों को नहाने के लिए साफ एवं स्वच्छ पानी, सुरक्षित एवं स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के साथ क्षेत्र के सतत विकास को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। इसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO, डेनमार्क स्थित NGO फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन FEE और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN से गठित एक अंतर्राष्ट्रीय जूरी द्वारा प्रदान किया जाता है। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन की तरह ही भारत ने भी अपना इको लेबल बीच एनवायरमेंट एंड एथेस्टिक मैनेजमेंट सर्विस BEAMS लॉन्च किया है। पर इन सबसे ज़्यादा जरूरी यह है कि हमें ही स्वच्छ भारत मिशन को सफल बनाना पड़ेगा, तभी हमारे देश की सुंदरता बरकरार रह पाएगी। यह जानकारी हो गई बीच के बारे में।
अब आगे बढ़ते हैं अपने सफ़र यानी स्कूबा डाइविंग की ओर। तो आइए जानते हैं इनके एक्सपर्ट से स्कूबा डाइविंग के बारे में। इनसे मिलिए, यह है जॉन्टी भाई, यहाँ के सर्टिफाइड स्कूबा डाइवर में से एक। करीब 4 साल से लोगों को स्कूबा करवा रहे हैं और इनकी बातें अगर आपने ध्यान से सुन ली तो फिर स्कूबा से रिलेटेड आपका सारा डर खत्म हो जाएगा। तो आइए इनसे कुछ सीखते हैं। अभी आपके सामने जो इक्विपमेंट पड़ा है जिनका हम स्कूबा डाइविंग का सेटअप करते हैं, बराबर, जिनके द्वारा अपन सब स्कूबा डाइविंग करेंगे। अभी इनमें ये एलिमेंट है, ये बीसीडी का फुल फॉर्म होता है, बोयनसी कंट्रोल डिवाइस, बराबर है। फिर इसमें ये एलिमेंट टैंक है और ये बीसीडी। अभी ये एलिमेंट टैंक के साथ ये बीसीडी के 4 गियर्स है, इसके साथ कनेक्ट है, बराबर है। अभी इनमें ये प्रेशर गेज दिया गया है जो 212 प्रेशर से भरा रहता है। जैसे जैसे आप सांस लोगे वैसे से कम होता जाएगा, जैसे सांस लोगे वैसे कम होगा। रेड यानी डेंजर सिग्नल, जब रेड में रहता है तब अपने को ऊपर आना रहता है, पर रेड में आने के बाद भी ये 15-20 मिनट चलता है। रेड एक सिचुएशन है। फिर इसमें 2 कलर के बटन दिए गए, रेड एंड व्हाइट। रेड कलर का बटन को जैसे हम पानी के अंदर है, कुछ भी इनके कुछ भी प्रॉब्लम हुआ उसको पुश करोगे तो आप सीधा 5 सेकंड में ऊपर आ जाते हो, बराबर। इसके अंदर हवा भरने से आप सीधा ऊपर आ जाओगे। ऊपर आने के बाद एक लाइफ जैकेट का काम करता है, बराबर। इसके हिसाब से आप कोई भी डूब नहीं सकते हो। वेट लगेगा इसमें, 14 kg का वेट है, लेकिन कोई डूब नहीं सकेगा। फिर जो व्हाइट वाला बटन जिससे हवा निकल दे, जिसे हम डिफ्लेटन बटन कहते हैं, जैसे बिजली के अंदर हवा निकल दिए ताकि पानी के ऊपर हो तो वापस आप पानी के अंदर चले जाते हो। फिर इसमें 2 रेगुलेटर दिए गए, ब्लैक एंड येलो, बराबर। अभी येलो एक एक्स्ट्रा दिया गया, एक्स्ट्रा किसके लिए, जैसे कि मैं और सर स्कूबा डाइविंग कर रहे हैं, इनके बिजली के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ या बिजली में लीकेज हुई या ऑक्सीजन में देखना भी भूल गया, खत्म हो गया, तो येलो पड़ा है के लिए स्पेयर में दिया गया है, ताकि मेरे पास जो स्पेयर में येलो है सर को दे सकता हूँ, जिससे कोई दुर्घटना ना बने, हम सीधा ऊपर आ जाएंगे। अभी जो ब्लैक कलर का रेगुलेटर है, सबको आपको यूज करना है, बराबर है। इसको एक पकड़ने का तरीका रहता है, आपके ऊपर वाले 2 दांत इसके ऊपर रहते हैं, नीचे वाले जो दांत है इसके नीचे रहते हैं। ये रिंग है, उसको होल्ड से टाइट पकड़ना है, बराबर है। इसको पकड़ने के लिए आपको क्या करना है, पूरा मुंह के अंदर डालना है, फिर आ ई ऊ करके ऊपर रिंग बन जाएगा, बराबर। कैसे ऐसे आ ई ऊ। चश्मा पहनने से आपका नाक ऑलरेडी ब्लॉक हो जाएगा, ताकि आप नाक से सांस नहीं ले पाओगे, बराबर। ये मैंने ऐसे लगाया, नाक ब्लॉक हो गया। अभी मुंह से सांस को लेना है, मुंह से सांस को छोड़ना है, बराबर। थोड़ा कन्फ्यूजन लगेगा कि आपको नाक से सांस नहीं मिल रही, लेकिन कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। माइंड को सेटअप कीजिए, आराइस्ता से मुंह से सांस को खींचिए और छोड़िए इसे। इन एंड आउट, इन एंड, पर होट उसके ऊपर टाइट पकड़ के रखना है। इसको आप बाइट करके भी पकड़ सकते हो, बराबर। जितना बाइट करके पकड़ोगे तो मुंह में किधर भी पानी नहीं घुसेगा। कई बार ऐसा भी लगता है लूज पकड़ने की वजह मुंह में पानी घुस भी जाता है, बराबर। ऐसे गेप बना, अंदर पानी घुसा तो कंट्रोल, यहाँ पे एक बटन दिया गया है, उसको आप एक बार से पुश करना है। जैसे पुश करोगे पूरा पानी मुंह से बाहर निकल जाएगा, बराबर। पर इसको दबा के नहीं रखना है कभी भी, ऐसा जैसे क्या होता है आप कंफ्यूज हो जाएंगे किसकी आवाज है, सिर्फ पुश ही करना है, बराबर। फिर दूसरा, पानी में जाने के बाद अपने के ये मास्क लगा रहता है, मास्क लग रहा है, मास्क के अंदर 2 प्रॉब्लम छोड़ोगे। जैसे पहला प्रॉब्लम है इसके अंदर पानी भरता है, पानी भर जाने के 2-3 वजह रहते हैं, जैसे बाल अंदर आए अपने स्माइल की तो भी पानी अंदर आ जाता है, स्माइल करते वो कब होता है, जब आप गलत ब्रीदिंग लेते हो, तब कई बार क्या सब लोग ऐसे लेते ऐसे करते हैं, यहाँ से गैप बनता है, गैप बनता है पूरा पानी घुस जाता है। लेकिन इसको ओ आकाश में होठ को टाइट पकड़ कर सांस लोगे तो पानी नहीं घुसेगा। जब भी पानी घुस जाए तब ड्राइवर आपको इशारा करेगा कि नाक से एयर को बाहर डालो, मुंह से सांस को किधर, जैसे एयर को बाहर डालोगे एयर के साथ पानी बाहर चला जाएगा, मास्क क्लीन हो जाएगा। चश्मा के अंदर सेम दूसरा प्रॉब्लम सोल्व करना है, इसके अंदर आपके बॉडी के अंदर एयर प्रेस की ऐसी 2 जगह है जहाँ पे प्रेशर लगता है, एक साइनअप और कान, यहाँ कान के पर्दे ब्लॉक होते हैं। वो पर्दे को खोलने के लिए आपको लंबी सांस लेनी है, यहाँ से नाक आहिस्ता से पकड़ जाएगी, पकड़ने के बाद उसके ऊपर प्रेशर डालना है। जोर से प्रेशर डालोगे तो कान का पर्दा खुलेगा। एक बार आप सभी ट्राई कीजिए, लंबी सांस लो ऐसे ही, नाक को पकड़ो, उसके ऊपर पूरा प्रेशर डालो तो कान के पर्दे खुलेंगे, बराबर। सेम वही करना है, स्कूबा के अंदर दूसरा कुछ नहीं, कान के पर्दे खोल गए एकदम इजी स्कूबा, बराबर। इन नीले समुंदर की गहराइयों में गोता लगाने के लिए इतनी जानकारी काफी है।
तो आइए आप भी मेरे साथ इन समुद्र की अद्भुत दुनिया में थोड़ा। और इसके बाद क्या था, हमारे स्कूबा का सामान आया, इसको बोट में चढ़ाया, अशोक भाई ने लंगर उठाया और हम निकल पड़े। इनसे मिलिए, यह है कृष्णा भाई, सर्टिफाइड स्कूबा डाइवर में से एक। यहाँ के कई बड़े पॉलिटिशियन से लेकर बिजनेसमैन तक समुद्र की गहराइयों में डुबकी लगाने के लिए इनके ऊपर भरोसा करते हैं। इनसे मिलिए, यह है कांजी भाई, जिनका काम है सबको स्कूबा का सूट पहनाना और डाइव के लिए रेडी करना, पर इनका सबसे पसंदीदा काम है लोगों को उल्टे मुंह फेंक देना। जिंदगी एक हसीन ख्वाब है जिसमें जीने की साहत होनी चाहिए, गम खुद ही खुशी में बदल जाएंगे, सिर्फ कुछ नया अनुभव करने की चाहत होनी चाहिए। तो आइए जानते हैं इन लोगों से इनका नया अनुभव कैसा रहा। बहुत अच्छा, मजा आ गया। अंदर आपने क्या क्या देखा? फिश थी, जेलीफिश थी और कुछ सारी वनस्पति। अगर फिर से आपको मौका मिले तो आप स्कूबा डाइविंग करेंगे या नहीं करेंगे? ऑब्वियसली करेंगे, बहुत अच्छा रहा। फिश देखी, वक्त की कश्ती पर सवार यह सारा संसार सिर्फ कुछ हसीन यादें ही साथ ले जाएगा। तो आइए हम भी कुछ यादें संजो लें इन समुंदर की गहराइयों से, जो अपने में अनदेखी पूरी दुनिया बसाए बैठा है। अंदर जाने के बाद अगर आप पूरी तरह से कंफर्टेबल हो तो थम्स अप करिए, और बहुत अच्छा फील कर रहे हैं तो गुड का इशारा करिए, तो वो समझ जाएंगे कि आप ठीक हो और वो आपको गहरे पानी में ले जाएंगे। और उसी तरह अगर आपको कोई भी दिक्कत है और ऊपर जाना चाहते हैं तो अपना थम्स डाउन करिए और हिलाइए, वो समझ जाएंगे और आपको सिर्फ 5 सेकंड के अंदर ऊपर लेके आ जाएंगे। ये थी मेरे सफ़र की छोटी सी कहानी जो थी आपको दिखानी। अगर आपके कोई सवाल, सुझाव, सलाह, सूचना, शिकायत, सिफारिश कुछ भी हो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, तब तक के लिए एक बात ज़रूर याद रखें। सब